फांसी लगाने से गंभीर हुई महिला की मौत के बाद उसके प्रेमी युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विगत दिनों उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने कुछ हफ्ते पहले फांसी लगाई थी। उसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा था। अब महिला की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नीलगंगा थाना क्षेत्र की विवाहिता को हफ्ते भर पहले एक युवक परेशान कर रहा था। महिला बेहद परेशान थी और तनाव में थी। महिला का यह युवक प्रेमी था जिसका शादी से पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान महिला ने फंदा लगाकर फांसी लगाने की कोशिश की जिसका उपचार चल रहा था। अब महिला की मौत हो गई और पुलिस ने युवक के ऊपर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो मामला है किस प्रकार से संज्ञान में लिया गया है, किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उसके? देखिए, दिनांक 30/11 को एक घटना घटी थी जिसमें एक महिला द्वारा उनके प्रेमी द्वारा जो है दूसरे महिला से शादी करने की बात को लेकर जो है फांसी लगाने का प्रयास किया गया था। परिजन जो इलाज हेतु हॉस्पिटल में लगे थे, इलाज के दौरान जो है 2 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। मामले में हमारे पंजीबद्ध करके जो है उसकी जांच की गई। परिजनों ने कथन लिया और साक्ष्य का संकलन किया गया। इसमें जो है प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिस महिला का जिस व्यक्ति से प्रेम संबंध था उस व्यक्ति के द्वारा जो है उनको धोखे में रखे और इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित की गई और तथा जो है उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया। उस उक्त घटनाक्रम को लेकर धारा 306 महादेवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।